नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भार्गव, सहायक प्राध्यापक, खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर। आज हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। रचनात्मक अभिव्यक्ति स्व अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है, अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति में विद्यार्थी अपने मन की भावनाएँ, अपने मन के विचार और अपने मन के कौशल अभिव्यक्त करता है। जो बातें वो किसी से नहीं कह सकता, वो रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित करता है। बाल मन स्वयं की भावनाएं, विचार, स्वप्न, आकांक्षाएं इत्यादि रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति में विद्यार्थी की भावनाएं, उसके विचार, उसके स्वप्न, उसकी आकांक्षाएँ इत्यादि सम्मिलित होते हैं। रचनात्मकता एक कौशल है जिसमें कुछ नवीन, रोचक तथा महत्वपूर्ण विचारों या सामग्री का निर्माण किया जाता है। रचनात्मकता हर किसी में नहीं पाई जाती और ये एक कौशल है कि किसी भी चीज़ को किस तरह से नवीनता के साथ पेश किया जाए, रोचकता के साथ पेश किया जाए और किसी सामग्री का निर्माण किया जा सके। रचनात्मक अभिव्यक्ति अवचेतन मन की संकल्पना को भी परिलक्षित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। अवचेतन मन में वो भावनाएं सम्मिलित होती हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते और जिसकी उपलब्धि हम किसी को नहीं बता पाते। रचनात्मक अभिव्यक्ति में विद्यार्थी अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कला, संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली कौशल, साहित्य इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थी अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है और उस कल्पना शक्ति का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, नृत्य, संगीत, नाटक, कठपुतली, साहित्य इत्यादि में करने की कोशिश करता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने में तथा सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संकल्पनाएं जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं लेकिन वो कभी सकारात्मक रूप में हमारे सामने नहीं आ पाते, वही अभिवृत्तियाँ, वही संकल्पनाएं हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। रचनात्मकता एक विशेषता है जो दुर्लभ और अंतर्निहित है, अर्थात ये जन्मजात शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को या किसी इंसान को मिलती है और अंतर्निहित है। साथ ही ये सीखी जा सकती है लेकिन जितनी ये अंतर्निहित है उतनी ये सीखी नहीं जा सकती। अर्थात कुछ चीज़ें हमें जन्म के साथ मिलती हैं लेकिन कुछ चीज़ों को हम सीख सकते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग ने रचनात्मकता के 2 पक्षों को सम्मिलित किया है, पहला स्वचालन अभिव्यक्ति और दूसरा मौलिकता। स्वचालन अभिव्यक्ति का अर्थ है कि जो चीज़ें हम आसपास देखते हैं उन चीज़ों में कुशलता कैसे हासिल की जाए, अर्थात उसको और किस तरह से हम अच्छा बना सकते हैं, और दूसरा मौलिकता अर्थात उसमें नवीनता क्या है। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति में स्वचालन अभिव्यक्ति भी सम्मिलित है, अर्थात कुछ चीज़ को अच्छा बनाना और कुछ चीज़ की मौलिकता लेकर आना, अर्थात कुछ नवीन चीज़ों का सृजन करना। अब हम अध्ययन करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। रचनात्मक अभिव्यक्ति स्वाभाविक तथा अधिग्रहित होती है। स्वाभाविक, जैसा कि मैंने बताया कि ये जन्मजात किसी व्यक्ति को मिलती है रचनात्मकता, और उसकी अभिव्यक्ति अधिग्रहित हो सकती है, अर्थात जो चीज़ें मुझे स्वाभाविक तौर पे मिली हैं उसे मैं किस तरह से अभिव्यक्त कर रही हूँ, वो अभिव्यक्त करने का तरीका मैं बाहर से अधिग्रहण कर सकती हूँ। रचनात्मक अभिव्यक्ति की दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता, अर्थात विश्व में आपको हर जगह रचनात्मकता वाले व्यक्ति, रचनात्मकता वाले विद्यार्थी मिल सकते हैं। यह कौशल सार्वभौमिक है। रचनात्मक अभिव्यक्ति की अन्य विशेषता है विस्तृत क्षेत्र। जैसा कि हमने बताया कि ये रचनात्मक अभिव्यक्ति साहित्य में, कला में,
संगीत में, नृत्य में इत्यादि किसी में भी परिलक्षित हो सकती है, अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। रचनात्मक अभिव्यक्ति अपने साथ मौलिकता लेकर आती है, मौलिकता अर्थात नवीनता या किसी नई चीज़ का सृजन। मौलिकता का अर्थ है विद्यार्थी के खुद के विचार, वो अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को किस तरह क्रियान्वित करता है, ये उसकी मौलिकता है। अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति मौलिकता की विशेषता से अंतर्निहित होती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति की अन्य विशेषता है संवेगात्मक अभिव्यक्ति। संवेग मनुष्य संवेगों से मिलकर बना है, और विभिन्न संवेग मनुष्य के होते हैं, जिसमें हम क्रोध, प्रेम इत्यादि को ले सकते हैं, और यही संवेग हम किसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से। अर्थात संवेगों को अभिव्यक्त करने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रकार। अर्थात कक्षा कक्ष में आप विद्यार्थियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को जानने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। सर्वप्रथम लेखन रचनात्मक अभिव्यक्ति। लेखन का अर्थ होता है लिखना, और विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर क्या क्या लिख सकता है। विद्यार्थी कविताएं लिख सकता है, भाषण बना सकता है, कहानी बना सकता है, निबंध बना सकता है, नाटक लिख सकता है, और साथ में उसका प्रस्तुतिकरण कर सकता है। इस लेखन अभिव्यक्ति में उसकी रचनात्मकता जाहिर हो सकती है। इसके बाद ललित कलाएं। ललित कलाओं में सभी कलाएं सम्मिलित हैं, जिसमें कोलाज बनाना, पोस्टर बनाना, चित्रकारी, फोटोग्राफी, बैनर, इसके अलावा दस्तकारी या हस्तकौशल, जिसमें विद्यार्थी अपने हाथों से कुछ निर्माण कर रहा है, सृजन कर रहा है, संगीत एवं नृत्य, और साथ में कठपुतली कौशल। ये सभी चीज़ें ललित कलाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अब हम विचार विमर्श करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति के लाभ। चूंकि शिक्षक बहुत सारी विधियां कक्षा में उपयुक्त करता है, लेकिन रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लाभ शिक्षक को पता होने चाहिए। रचनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा हम विद्यार्थी का भावात्मक पक्ष का विकास कर सकते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष होते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को रखा जाता है, और भावात्मक पक्ष किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उस भावात्मक पक्ष का विकास करने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। रचनात्मक अभिव्यक्ति सकारात्मक संवेगों का विकास करती है, और साथ ही सकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण साधन है। सकारात्मक संवेग अर्थात वो संवेग जो सकारात्मकता से पूर्ण होते हैं, जैसे आत्मविश्वास। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, विद्यार्थी आगे आकर कार्य करने का काम करते हैं। इसके अलावा रचनात्मक अभिव्यक्ति चिंता और तनाव को दूर करती है। आज की पूरी जीवन चिंता और तनाव से ग्रसित है, और छोटे बच्चे भी इससे दूर नहीं है। इसी चिंता और तनाव को दूर करने का एक सशक्त माध्यम है रचनात्मक अभिव्यक्ति। विद्यार्थी जब कहानी लिखता है, कविताएं लिखता है, तो उसका मन और मस्तिष्क सकारात्मक भावनाओं से परिपूर्ण होता है, और विद्यार्थी चिंता और तनाव को दूर कर सकता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति मानसिक और बौद्धिक संतुष्टि का भी माध्यम है। हमें मानसिक और बौद्धिक संतुष्टि कब मिलती है? जब हमें सकारात्मक पृष्ठपोषण मिलता है। जब विद्यार्थी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से कुछ सृजन करके शिक्षक के पास लेके जाता है, और शिक्षक उसे सकारात्मक पृष्ठपोषण देता है, प्रत्युत्तर देता है, तो विद्यार्थियों का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है, साथ ही संतुष्टि भी विद्यार्थी की बढ़ती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति अनचाहे अनुभवों को विस्मरण करने का एक बहुत उचित साधन है। सकारात्मक संवेग जो कि नकारात्मक हो सकते हैं, ऐसे अनुभव जिसे विद्यार्थी भुलाना चाहता है, उन अनुभवों को दूर करने के लिए भी हम रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
रचनात्मक अभिव्यक्ति सौंदर्यात्मक मूल्यों का भी विकास करता है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें कई तरह के चीज़ों का निर्माण करते हैं और उसे सुंदरता प्रदान करते हैं। इससे विद्यार्थियों के सौंदर्यात्मक मूल्यों का भी विकास होता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति भाषाई और बौद्धिक पक्ष से भिन्नता रखती है, अर्थात वो विद्यार्थी जो भाषाई तौर पर और बौद्धिक तौर पर सामान्य विद्यार्थियों से पिछड़े हुए हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, अर्थात रचनात्मक अभिव्यक्ति विद्यार्थी में आत्मविश्वास बढ़ाती है, कुछ करने की क्षमता उसमें है उसे ऐसा जाहिर कराती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति स्व अभिव्यक्ति का विकास करती है। हमने शुरू में ही पढ़ा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति अपने मन के विचार, अपने मन की भावनाएं, अपने मन के स्वप्न को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपने विचार, जो हम किसी के साथ नहीं बता सकते, वो विकास, वो अभिव्यक्ति हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, क्योंकि व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि। सभी व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करता है, क्योंकि रचनात्मक अभिव्यक्ति में अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करना है, और ये अभिव्यक्ति कैसे करनी है, उन्हें किन शब्दों के अंदर उसकी अभिव्यक्ति करनी है, ये भी एक कला है, और वो कला रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम विद्यार्थियों में उत्पन्न कर सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति सृजनात्मकता का भी विकास करती है। सृजन करना बहुत मुश्किल कार्य है। सृजन का अर्थ है किसी नई चीज़ को जन्म देना, किसी नए विचार को जन्म देना, और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सृजनात्मकता का विकास इसी से होता है कि विद्यार्थी किसी नई चीज़ का सृजन कर रहा है और पुरानी चीज़ों की साज सज्जा कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग शिक्षक कैसे कर सकता है। हमने शुरुआत में पढ़ा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति के कई प्रकार हैं, जिसमें प्रथम प्रकार था लेखन। उस लेखन में कविता, भाषण, कहानी, निबंध, नाटक इत्यादि विद्यार्थियों से करवाए जा सकते हैं। अब वो कौन से ऐसे प्रकरण हैं जिसमें विद्यार्थी अपनी स्व अभिव्यक्ति कर सकता है, जैसे हमारा परिवार, सामाजिक मूल्य, वातावरण की स्वच्छता, प्रकृति से संबंधित कविताएं और इनसे संबंधित स्व विचार और भाषण। क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी इतनी चीज़ें ही अवलोकित कर सकते हैं, जैसे समाज, परिवार जिसमें वो रहते हैं, परिवार के सदस्य, उनसे संबंधित भाषण, कहानी, निबंध इत्यादि अपने स्व विचार पेश कर सकते हैं। इसके बाद ललित कलाएं। हमने प्रकार पढ़े, ललित कलाएं भी जिसमें महत्वपूर्ण हैं। ललित कलाओं में चित्रकारी, फोटोग्राफी, कोलाज, पोस्टर, बैनर इत्यादि आते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप विद्यार्थी को उनके आसपास की सामाजिक चीज़ें, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक धरोहर और पुरातात्विक सामग्री से संबंधित चित्रों को इकट्ठा करने, उनके पोस्टर बनाने, उनके बैनर बनाने इत्यादि का कार्य रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से करा सकते हैं। संगीत रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। संगीत, संगीत के द्वारा आप विद्यार्थियों में गीत, नृत्य, लोक नाच, लोक संगीत की अभिव्यक्ति और गीतों का निर्माण इत्यादि कार्य करवाया जा सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति का अन्य प्रकार था कठपुतली निर्माण। प्राथमिक स्तर पर देखा गया है कि कठपुतली विद्यार्थियों के लिए एक रोचकता का विषय है, और कठपुतली निर्माण करके और कठपुतली का नाच करा के आप विद्यार्थियों को उनके प्रकरण के साथ जोड़ सकते हैं। कठपुतली निर्माण में सामाजिक मूल्यों, उनके पतन, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिशा निर्देश, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबंधित कठपुतली नाटक इत्यादि
आप विद्यार्थियों को करा सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति का अन्य प्रकार था दस्तकारी या हस्तकौशल। दस्तकारी या हस्तकौशल में विद्यार्थियों को हाथों से बनाई जाने वाली कोई चीज़ें बनवाई जा सकती हैं, जिसमें पुरानी बची सामग्री से आलंकारिक सामग्री का निर्माण इत्यादि। विद्यार्थी ऐसे काम करके विभिन्न चीज़ें सीख सकते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक शिक्षक की भूमिका जब वो कक्षा शिक्षण में रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहा है। शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक गतिविधियों की श्रेणी सुनिश्चित करनी है। हम जानते हैं कि एक कक्षा में बहुत तरह के विद्यार्थी होते हैं, जिनकी आयु अलग है, जिनके सोचने का तरीका, उनकी बुद्धिलब्धि, उनकी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि सभी भिन्न हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग अलग तरीके से व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक रचनात्मक अभिव्यक्ति की श्रेणी सुनिश्चित करना एक शिक्षक का कार्य है। इसके अलावा शिक्षक कक्षा में सकारात्मक, सुरक्षित और आरामदायक वातावरण का निर्माण करे, ताकि हर बच्चा अपने मन की बात, अपने मन के विचार शिक्षक के साथ साझा कर सके। सकारात्मक वातावरण से हर विद्यार्थी और शिक्षक आपस में एक सहयोग के साथ जुड़ेंगे और विद्यार्थियों को भी आरामदायक वातावरण की निर्माण होगा। शिक्षक की अन्य भूमिका है भावनात्मक संबंध स्थापित करना, क्योंकि रचनात्मक अभिव्यक्ति स्व अभिव्यक्ति का साधन है। विद्यार्थी इसमें अपनी भावनाएं शिक्षक के साथ साझा करता है, तो शिक्षक का भी कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करे। रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग करते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी की सभी इंद्रियों का भरपूर उपयोग हो सके। अर्थात आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं, जैसे कि आँखें, कान, नासिका, जीवा और हमारे स्पर्श करने का तरीका। इन सभी चीज़ों का उपयोग हम यदि रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं तो वह अधिकम चिरस्थायी होता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति में शिक्षक व्यक्तिगत और सहगामी अधिगम पर जोर दे, अर्थात अगर शिक्षक विद्यार्थी को समझता है कि वो व्यक्तिगत तौर पर सीख सकता है तो उसे व्यक्तिगत कार्य दे, और अगर शिक्षक को लगता है कि वो समूह में सीख सकता है तो उसे सहगामी अधिगम पर जोर देना होगा। तो आज हमने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ा। रचनात्मक अभिव्यक्ति एक बहुत ही उत्तम विधि है, जिसका कक्षा में उपयोग करके शिक्षक कक्षा का वातावरण सरल, सुगम और रोचक बना सकता है। धन्यवाद।